नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जनवरी बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले में सेल टैक्स विभाग द्वारा समय समय पर कर चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इन कार्रवाइयों में करोड़ों रुपए का राजस्व भी विभाग को प्राप्त हो रहा है। केंद्रीय वस्तु कर विभाग की टीमों ने श्रीगंगानगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी के यहाँ टैक्स चोरी की संभावना के चलते एक साथ छापेमारी की। विभागीय सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा एक साथ मीरा मार्ग स्थित मनन फर्नीचर, इसके जस्सा सिंह मार्ग व ज्वार नगर स्थित गोदाम व एक अन्य संस्थान पर सर्वे की कार्रवाई शुरू की गई। सूत्रों ने बताया कि मनन फर्नीचर संचालक अनेक कारोबार से जुड़े हैं तथा इनके द्वारा विभाग को टैक्स के नाम पर नाम मात्र पैसा दिया जा रहा था, जबकि टैक्स ज्यादा बनता है। टैक्स चोरी के संदेह के चलते विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई। सूत्रों ने बताया कि इन ठिकानों से विभाग को काफी दस्तावेज हाथ लगे हैं। कार्रवाई की सूचना के साथ ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। हनुमानगढ़ जिले में नहाते समय गीजर से गैस लीक हो गई, जिससे पहले पति आग में झुलस गया और इसके बाद पत्नी भी आग की चपेट में आ गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात दोनों की मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना रावतसर थाना क्षेत्र के गाँव थालड़का में हुई। थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका ने बताया कि गांव मक्कासर में रहने वाला राकेश अपनी पत्नी विमला के साथ कल गांव थलड़का निवासी अपने बहनोई विनोद से मिलने के लिए आया हुआ था। विनोद घर में नहीं था, वहीं विनोद की पुत्री घर में ही मौजूद थी। इस दौरान राकेश नहाने के लिए चला गया। नहाते समय गैस गीजर से गैस लीक हो गई, जिससे वह शौचालय में बेहोश हो गया। इस दौरान आग भी लग गई। काफी मशक्कत के बाद शौचालय का दरवाजा खोला तो शौचालय में लगी आग ने विमला को भी अपनी चपेट में ले लिया। शोर सुनकर पड़ोसियों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां देर रात दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम पैरोल पर बाहर आते ही सुर्खियां बटोरने लगा। राम रहीम ने तलवार से केक काटा। मौका था डेरे के दूसरे संत शाह सतनाम के जन्मदिन का। उसी ने राम रहीम को अपनी गद्दी सौंपी थी। केक काटने का वीडियो बागपत स्थित बरनावा डेरे का है। यह वीडियो वायरल हो रहा है। रेप और हत्या का दोषी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। वह पिछले 14 महीने में चौथी बार पैरोल पर बाहर आया है। 21 जनवरी को उसे 40 दिन की पैरोल मिली है। बाहर आने के बाद राम रहीम ने 5 घंटे तक ऑनलाइन सत्संग किया। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी, भाजपा के सांसद विधायक भी जुड़े। जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। नशीला पेय पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अश्लील वीडियो बनाकर 2 साल तक देह शोषण किया। ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग कर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। मालपुरा गेट थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 23 वर्षीय युवती ने बताया कि साल 2020 में उसकी मुलाकात सांगानेर निवासी अभिषेक वर्मा से हुई थी। बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। मार्च 2020 में मिलने बुलाकर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, बेहोशी की हालत में रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया। झूठी शादी कर वीडियो से ब्लैकमेल कर 2 साल तक देह शोषण करता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले के अराई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम चोरी करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने कैंपर जीप के जरिए एटीएम को उखाड़ा और लेकर फरार हो गए। घटना अराई थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौराहे की है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गुमान सिंह थाने के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार रात 2:45 बजे कुछ बदमाशों के द्वारा एटीएम चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे किया और एटीएम की लाइट बंद कर दी। बाद में कैंपर गाड़ी के जरिए बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ा और लेकर फरार हो गए। बैंक के अधिकारियों के अनुसार एटीएम में 30 लाख रुपए करीब कैश मौजूद था। जयपुर में विश्वकर्मा थाना इलाके में रोड नंबर 14 पर विद्याधर नगर निवासी आशीष माणक बोहरा की श्री कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स फैक्ट्री में अलसुबह भीषण आग लग गई। प्लास्टिक पाइप की पैकिंग करने वाली फैक्ट्री को देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जान बचाने के लिए छत से मजदूरों ने छलांग लगा दी, जिसमें 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 दमकलों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस का मानना है कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है।
सूचना पर थाना प्रभारी रमेश सैनी मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से कांवटिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सीकर के उद्योग नगर इलाके में 3 दिन बंद रहे एक मकान में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी का मामला सामने आया है। मकान मालिक ने अपने साले के लड़के पर ही आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिपराली रोड निवासी जयपाल ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनका मकान सीकर में है। 9 जनवरी को उनके ससुर का निधन हुआ, ऐसे में वह अपनी निमका थाना गए थे। वापस लौटे तो कमरे का पीछे का गेट खुला हुआ था और अलमारी में से उनकी पत्नी के जेवरात गायब मिले। 4 लाख रुपए नगद रखे थे, वह भी गायब मिले। परिवादी ने अपने साले के लड़के पर आरोप लगाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पंजाब के तरन तारण जिले के सरहाली थाना अंतर्गत आते गांव जट्टा में पड़ोस में चल रहे पति पत्नी के झगड़े को शांत करवाने गए व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सरहाली थाने की पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां जंटा पंचायत के पूर्व सदस्य सुखराज सिंह ने बताया कि बलजिंदर सिंह राजमिस्त्री का काम करता है। उसके पड़ोस में रहने वाला सरबजीत सिंह अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था। बलजिंदर सिंह उसे शांत कराने उसके घर चला गया। सरबजीत सिंह को बुरा भला कहने के बाद बलजिंदर घर लौट आया। कुछ समय बाद सरबजीत सिंह अपने 2 भाइयों और 4 भतीजों के साथ बलजिंदर के घर में घुसा और तेजधार हथियारों से हमला कर खंबीर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर लाइव आना श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ इलाके के 3 युवकों को उस समय भारी पड़ गया जब उनकी पिकअप एक कार से जा भिड़ी। हादसे में पिकअप सवार 3 लोग घायल हो गए, वही कार सवारों के भी गंभीर घायल होने की जानकारी सामने आई है। घटना हरियाणा क्षेत्र के एलनाबाद में हुई। हादसे से पहले का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सूरतगढ़ सुपर तापीय परियोजना इलाके के पास रायवाली गांव के निवासी 3 युवक पिकअप जीप में सवार होकर रात को हरियाणा में किसी काम से जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पिकअप चला रहे युवक ने एलनाबाद में देर रात को मोबाइल से फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया। इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन की रोशनी से पिकअप सवार संभल नहीं पाए और दुर्घटना हो जाती है। बताया जा रहा है कि हादसे में पिकअप सवार 3 युवक घायल हो गए थे, वहीं कार सवार 2 लोगों के भी गंभीर घायल होने की जानकारी सामने आई है। अमृतसर जिले के जंडियाला में 2 छोटी बच्चियों को मारने की धमकी देकर उसके दादा से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले संदीप सिंह को थाना जंडियाला की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व सरपंच गोपाल सिंह ने बताया कि वह अपनी पुत्रियों को स्कूल से लेकर घर आया, इतने में आरोपी घर में दाखिल हुआ और खुद को एक गैंगस्टर बताकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। आरोपी खुद को कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया व लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बता रहा था। आरोपी उसकी पुत्रियों को अपहरण कर मारने की धमकी देने लगा। जब उसकी पत्नी ने आरोपी का विरोध किया तो उसने उसे पीटा। जब उसकी पुत्री बीच बचाव के लिए आई तो आरोपी ने उसे भी दीवार की ओर पटका। जैसे ही उसका रिश्तेदार घर आया, आरोपी उसे देख मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।